इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का जब भी जिक्र होगा, बुधवार को गुजरात टाइटंस वर्सेस हैदराबाद मैच का जिक्र जरूर होगा। दोनों टीमों ने आखिरी ओवर में 25-25 रन ठोके, लेकिन हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस ने अपने खाते में जीत दर्ज की, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद को करीबी मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा। राशिद खान ने जैसे ही विनिंग छक्का लगाया, स्टेडियम में मौजूद हार्दिक की पत्नी नताशा अपनी सीट से उछल पड़ी, वहीं हार्दिक डग आउट में मुस्कुराते हुए नजर आए। दरअसल राशिद छक्का लगाते ही मैदान पर बल्ला एक हाथ में उठाए दौड़ पड़े, तो राहुल तेवतिया के चेहरे की खुशी भी देखते ही बन रही थी। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस को आखिरी ओवर में जीत के लिए 22 रनों की जरूरत थी। टारगेट मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। मार्को जेनसन गेंदबाजी के लिए आए और स्ट्राइक पर थे राहुल तेवतिया, जो छक्के लगाने में अब एकदम एक्सपर्ट हो चुके हैं। पहली ही गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील की और इस तरह से जेनसन दबाव में आ गए। अगली गेंद पर सिंगल मिला और जब समीकरण काफी बदले हुए थे, चार गेंद पर जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। स्ट्राइक पर राशिद खान आए थे, राशिद ने स्ट्राइक मिलते ही छक्का ठोका और केन विलियमसन दौड़कर जेनसन से बात करने चले गए। ओवर की चौथी गेंद डॉट गई, ओवर गेंद डालकर जेनसन ने सनराइजर्स हैदराबाद को मैच में वापसी दिलाई, लेकिन राशिद तो कुछ और ही ठान कर बैठे थे। आखिरी दो गेंदों पर छक्का लगाकर उन्होंने गुजरात टाइटंस को यादगार जीत दिलाई। खैर दोस्तों, अगर आप भी राशिद खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।